शराबबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए। दरअसल बिहार, गुजरात समेत अन्य राज्यों में शराबबंदी के बाद मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी की मांग की जा रही है। इसी बीच मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक बड़ा बयान देकर गुजरात की बीजेपी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री कुलस्ते मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि गुजरात में शराब प्रतिबंधित है, उसके बाद भी वहां सबसे ज्यादा शराब बिकती है। केंद्रीय मंत्री का इशारा था कि शराबबंदी भले ही कर दिया जाए, लेकिन जिसे शराब पीनी है वो जरूर पिएगा। ऐसे में लोगों को ही शराबबंदी के लिए आगे आना होगा कि लोग शराबबंदी किए बिना शराब को छोड़ दें। गुजरात में प्रतिबंध है, आपको पता है, पर सबसे ज्यादा दारू पीने वाले लोग गुजरात में। कौन रहता है वहाँ? ये उद्योग धंधे मेहनत करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, बेचारे क्या करें? अब कहाँ से आता है जाता है ये तो बात का विषय है, पर एक आदमी ने कहा कि ये लोग चोरी से बहुत करते हैं, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती लगातार अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साध रही हैं। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान का वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।